एंड वेलकम। रिसेंटली इंडिया ने ब्रह्मोस का सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट कर लिया है। ये कहाँ पर किया है और ब्रह्मोस क्या है, ब्रह्मोस के क्या फीचर हैं, और ब्रह्मोस अलग जो इक्विपमेंट मशीनरी है इसके कॉम्पिटिटर हैं उनसे अलग कैसे है। और जी हाँ, ब्रह्मोस को जो है चाइना में और इंडिया के बीच जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो टेंशन चल रही है उसको देखते हुए हमने इंडिया ने उसको जो है लद्दाख रीजन में और अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न रीजन में चाइना की आर्मी के सामने जो है तैनात कर दिया गया है। तो ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये टॉपिक जो है ये डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर आता है और UPSC के लिए GS पेपर 3 के अंदर आता है। देखिए, ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूजल मिसाइल, यहाँ पे देखिए ब्रह्मोस के अलग अलग जो वर्जन है उसमें यहाँ पर बात हो रहा है सरफेस टू सरफेस मिसाइल के लिए। ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सरफेस टू सरफेस का जो है सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट हो गया है बालासोर टेस्ट रेंज में, जो कि उड़ीसा में है। ये देखिए ब्रह्मोस का इमेज है। ये आपने 26 जनवरी परेड वगैरह में भी ब्रह्मोस को कई बार देखा होगा। देखिए, ब्रह्मोस को जो बनाया है वो इंडिया ने और रशिया ने मिलकर बनाया। इंडिया से DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और रशिया से NPOM, नपोम। ब्रह्मोस का जो है वो नाम रखा गया है दो नदियों के ऊपर, इंडिया से ब्रह्मपुत्र और एक जो है रशिया से उसका मॉस्कवा, तो मिला करके ब्रा और मोस्क बना ब्रह्मोस। देखिए, ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि ट्रैवल कर दिया एट अ स्पीड ऑफ Mach 2.8। मैक इसकी यूनिट देखा है और Mach 2.8, और ऑलमोस्ट मतलब लगभग लगभग स्पीड ऑफ जो साउंड है, ध्वनि की जो गति है उसका लगभग 3 गुना। और स्पीड ऑफ साउंड क्या है अगर मैक की यूनिट में देखें तो 1 मैक। ये देखिए, ये इमेज है, इसमें रशिया का फ्लैग और इंडियन फ्लैग लगा हुआ है। ये ब्रह्मोस का एक इमेज है वहाँ से। देखिए, ब्रह्मोस जो है दुनिया की सबसे तेज़ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और ये जो है मल्टी प्लेटफॉर्म पर काम करती है। जैसे कि ये लैंड से भी आप इसे लॉन्च कर सकते हैं, एयर से भी आप इसे लॉन्च कर सकते हैं, सी से भी इसे लॉन्च कर सकते हैं। तो इसकी कैपेबिलिटी और एक्यूरेसी अगर आप देखें तो ये पिन पॉइंट एक्यूरेट है। ये डे में, नाइट में विज़न को लेकर के दोनों टाइम काम कर रहती है, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर, यानी आंधी तूफान बारिश वगैरह से इसका कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए इसको इंडिया की तीनों आर्मी यूज़ कर सकती हैं, जैसे कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। इसको कहा जाता है फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर ये काम करता है, यानी कि चलाओ और भूल जाओ वाला मतलब नहीं। इसका मतलब कि ये सेंसिबल है, ये इन द वे सेंसिबल इन द वे कि अगर आप इसको एक बार टारगेट जो है टारगेट इसको दे देते हैं तो और लॉन्च कर देते हैं, उसके बाद इसको फर्दर गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है, टारगेट को खुद से फॉलो कर लेता है। ये देखिए, ये फाइटर जेट जो है वो ब्रह्मोस को लॉन्च कर रहे हैं। जैसा कि हमने कहा कि तीनों जो है नेवी और एयरफोर्स और आर्मी यूज़ कर सकते हैं और करते हैं। देखिए, ये हैवीएस्ट वेपन है जो कि डिप्लॉय किया गया था, सुखोई MKI फाइटर एयरक्राफ्ट। ये भी हमारा फाइटर जेट है सुखोई। इसका वेट लगभग 2.5 टन था, और इसकी रेंज जो है इस मिसाइल की, ब्रह्मोस की, वो 300 से 450 मीटर थी, जिसको इन्हें 600 मीटर तक भी करा गया। और इंडिया, देखिए, बना दिया रशिया के साथ मिलकर के, लेकिन अब जो इसके अंदर फीचर नए लाए गए हैं, इसकी एडवांस टेस्टिंग हो रही है, एडवांस इसमें इक्विपमेंट लगाया गया है, इसकी एसेंशियल जो इसकी वर्किंग है उसको एनहांस किया जा रहा है, वो सब इंडिया कर रहा है और इंडिया अकेले कर रहा है। तो अब जैसे इसकी जो रेंज है उसको बढ़ाया गया 450 से लगभग 600 मीटर तक, 600 किलोमीटर तक, वो कैसे संभव हुआ? वो इंडिया ने इंडक्ट किया MTCR। MTCR क्या होता है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम में 2016 में इसके अंदर। देखिए, इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि एक बार बनाने के बाद रशिया के साथ मिलकर जो बनाया, अब हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसके प्रोजेक्ट के ऊपर इसकी जो फंक्शनैलिटी है इसकी, ये बेहतर काम कर सके, वो इंडिया कर रहा है, DRDO कर रहा है, और भी डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर में कर रहे हैं। तो यानी सब कुछ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के ऊपर, इसके ऊपर काम हो रहा है। इसके अंदर काफ़ी सारे इंडिजीनियस सब सिस्टम भी लगे हुए हैं, खास करके एक एयर फ्रेम सेक्शन भी लगा हुआ है। तो देखिए, और अभी जो है ब्रह्मोस को डिप्लॉय कर दिया गया लद्दाख में और ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश में, कि अगर चीन से कोई खतरा पैदा हो तो हम तुरंत एक्शन ले सकें। देखिए, इसको आप ये देख सकते हैं कि ये इन्हेंस कर रहा है यूज़ जो है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का, वो बढ़ा रहा है। इससे जो है हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है इंडिया का, और इंडिया का आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम जो है डिफेंस सेक्टर के अंदर, वो जो है वो काफ़ी आगे बढ़ेगा।
और इसके अंदर जो है इंडिजीनियस कंटेंट को बढ़ाने के लिए जो है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 DAP 2020 पर ये प्राइमरी फोकस कर रहा है। और एक जो ड्राफ्ट की गई है डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 के लिए, तो इससे हमारे इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी अच्छा भी होगा और हम उसको जो है एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं आगे। अब देखिए ये हो गया सारा, इसके ऊपर जो लगातार काम चल रहा है, अब इसका भी हम लेटेस्ट वर्जन और इससे भी अच्छा वर्जन जो है वो तैयार कर रहे हैं इंडिया। उसका नाम है इंडिया अलोन काम कर रहा है और उसका नाम है उसका ब्रह्मोस सेकंड। जिस प्रोजेक्ट को इसका ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन इंडिया जो है तैयार कर रहा है, इंडिया अकेले तैयार कर रहा है, इसीलिए मैंने कहा इंडिया अलोन। और वो क्या प्रोजेक्ट का नाम है ब्रह्मोस सेकंड के। ये कैपेबल होगा टारगेट करने के लिए हार्ड टारगेट, जैसे कि जो अंडरग्राउंड बंकर होते हैं जो विजिबल नहीं है, या वेपन जिनकी स्टोरेज फैसिलिटी बहुत हार्ड है या डाउन है उनके लिए। और इसकी स्पीड जो है लगभग वो 7 times ऑफ स्पीड साउंड होगी, यानी Mach 7। अभी ब्रह्मोस का हमने क्या बताया था 2.8 Mach, जो कि स्पीड ऑफ साउंड का लगभग 3 times स्पीड ऑफ साउंड का बताया था 1 Mach। और जो ब्रह्मोस 2 जिसके ऊपर काम हो रहा है, इंडिया काम कर रहा है, उसका ये स्पीड ऑफ जो है ब्रह्मोस सेकेंड का स्पीड होगा वो लगभग Mach 7 के करीब होगा। तो ये काफ़ी एडवांस प्रोजेक्ट होने वाला है। तो ये है एंड इस वीडियो का, आई होप आपको इस वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसी तरह के और डेली अपडेट हम लोग डाल रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और GS नोट्स और डेली करंट अफेयर हम टेक्स्ट के फॉर्म में अपनी वेबसाइट www.planetjockey.in पर डाल रहे हैं, आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं।